हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लॉ बाय आदित्य। आज मैं एक सीरीज बनाने वाला हूं जो बैंकिंग एक्ट्स एंड इंश्योरेंस एक्ट्स के बारे में डिटेल में बताएगा। सो इस सीरीज का आज पहला वीडियो बनाने वाला हूं, जिसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट। सो उसमें पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ आरबीआई और सब इंपॉर्टेंट स्पेकुलेशंस उस एक्ट के बारे में। तो चलिए शुरू करते। आरबीआई कंट्री में मॉनेटरी स्टेबिलिटी बनाने का काम करता है, इसके लिए मॉनेटरी पॉलिसी भी बनाता है। ये सारे कमर्शियल बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को गाइडलाइंस देता है। इसके और भी बहुत से फंक्शंस हैं जिनको हम इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे। इसके साथ साथ मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, CRR, SLR, रेपो रेट, बैंक रेट, इन सारी टर्म्स को भी हम वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आप पूरी वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम क्विकली समझ लेते हैं आरबीआई के मैनेजमेंट स्ट्रक्चर के बारे में। आरबीआई के जनरल अफेयर्स को सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स संभालते हैं। इन डायरेक्टर्स को गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, जो कि हर 4 साल में चेंज होते रहते हैं। इसके सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर्स भी होते हैं। एंड इसमें गवर्नमेंट की तरफ से अलग अलग फील्ड के 10 डायरेक्टर्स भी अपॉइंट किए जाते हैं और 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल अपॉइंट किए जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं आरबीआई के फंक्शंस की। फर्स्ट है इश्यू ऑफ करेंसी नोट्स। आरबीआई पूरे इंडिया में करेंसी नोट्स इशू करता है। आरबीआई ये करेंसी गोल्ड, एक्सचेंज बिल्स और गवर्नमेंट बॉन्ड्स की सिक्योरिटी के अगेंस्ट इशू करता है। नेक्स्ट इज बैंकर टू अदर बैंक्स। आरबीआई इंडिया के सभी बैंक्स को कंट्रोल और रेगुलेट करता है। आरबीआई ने जो भी डायरेक्शन दी, सभी कमर्शियल बैंक्स को वो डायरेक्शन फॉलो करने की ऑब्लिगेशन है। हर बैंक को आरबीआई के पास कुछ रिजर्व रखना मैंडेटरी होता है और आरबीआई दूसरे बैंक को लोन भी प्रोवाइड करवाता है, इसलिए इसको बोला जाता है बैंकर टू अदर बैंक्स। नेक्स्ट इज बैंकर एजेंट एंड फाइनेंशियल एडवाइजर ऑफ द गवर्नमेंट। आरबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की ट्रांजेक्शन करता है। ये गवर्नमेंट के बिहाफ पे टैक्स की पेमेंट्स और डिपॉजिट भी करता है और ये इंटरनेशनली गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है। गवर्नमेंट फॉरन रिलेटेड ट्रांजेक्शन आरबीआई के थ्रू ही करती है। आरबीआई फॉरन एक्सचेंज रिजर्व को मेंटेन करता है और ये गवर्नमेंट को फाइनेंशियल एडवाइस भी देता है। अगला है एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट। आरबीआई इंडियन करेंसी की वैल्यू को स्टेबलाइज करने का काम भी करता है। मतलब जो फॉरन करेंसी होती है लाइक डॉलर, उसके कंपेरिजन में जो रुपए की वैल्यू है उसमें ज्यादा फ्लक्चुएशन ना होने देना। इसको मेंटेन रखने के लिए आरबीआई फॉरेन करेंसी को बाय और सेल करता रहता है। नेक्स्ट इज क्रेडिट कंट्रोल। आरबीआई कंट्री में मनी की सप्लाई को कंट्रोल करके इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करता है। इसके लिए ये बहुत से टूल्स का यूज करता है, इनको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके बेसिक टूल्स होते हैं लाइक कैश रिजर्व रेशो, बैंक रेट पॉलिसी एटसेट्रा। कैश रिजर्व रेशो का मतलब ये होता है कि हर बैंक को अपने पास अवेलेबल कैश में से कुछ अमाउंट आरबीआई के पास एज रिजर्व रखना होता है। बैंक रेट वो होता है जिस रेट पर आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को लोन देता है। ये तो थे आरबीआई के बेसिक फंक्शंस। चलिए अब बात करते हैं इसके प्रमोशनल और डेवलपमेंट फंक्शंस के बारे में। फर्स्ट है प्रमोशन ऑफ बैंकिंग सिस्टम। आरबीआई सोसाइटी के हर सेक्शन में बैंकिंग को प्रमोट करने का काम करता है। इसका एग्जांपल है नाबार्ड। नाबार्ड का मतलब है नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसको एग्रीकल्चर के प्रमोशन के लिए बनाया गया था। एग्रीकल्चर सेक्टर के प्रमोशन के लिए नाबार्ड क्रेडिट यानी लोन प्रोवाइड कराता है। अगला है डेटा कलेक्शन एंड पब्लिकेशन ऑफ रिपोर्ट्स। आरबीआई इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट्स, सेविंग एटसेट्रा का डेटा कलेक्ट करता है और इसकी वीकली और एनुअल रिपोर्ट्स भी पब्लिश करता है। चलिए अब बात करते हैं आरबीआई के सुपरवाइजरी रोल्स के बारे में। सबसे पहला है गिविंग लाइसेंस टू बैंक्स। किसी भी बैंक को अपनी सर्विसेज स्टार्ट करने के लिए आरबीआई से लाइसेंस लेना पड़ता है। इवन एक एग्जिस्टिंग बैंक को अगर अपनी और ब्रांच ओपन करनी है, उसके लिए भी इसको आरबीआई से लाइसेंस लेना पड़ता है। नेक्स्ट है बैंक इंस्पेक्शन एंड इंक्वायरी। आरबीआई के पास इंडिया में किसी भी बैंक की इंस्पेक्शन करने की पावर होती है। ये टाइम टू टाइम चेक करता रहता है कि बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अपने ऑपरेशंस प्रॉपर मैनर में कर रहे हैं नहीं। अगला है इंप्लीमेंटेशन ऑफ डिपॉजिट इंश्योरेंस स्कीम। दोस्तों, जब भी कोई बैंक डूब जाता है तो हम लोगों ने जो भी बैंक के पास कराई होती है वो भी रिस्क में आ जाती है। बट अगर कोई बैंक डूब जाता है तो स्मॉल डिपॉजिटर्स की प्रोटेक्शन करना आरबीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसके लिए आरबीआई डिपॉजिट इंश्योरेंस स्कीम इंप्लीमेंट करता है, जिसके अकॉर्डिंग किसी बैंक के फेल होने के केस में भी उसके हर अकाउंट होल्डर के एटलीस्ट 5 लाख रुपए तो सेफ रहेंगे, मतलब अप टू 5 लाख रुपीज तो उसको मिलेंगे ही। चलिए बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी की। आरबीआई इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इकोनॉमी में मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है, जिसके लिए मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाती है। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू मनी के सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए जो भी मेजर्स लेता है उनको मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, जो कि है क्वांटिटेटिव मेजर्स एंड क्वालिटेटिव मेजर्स। चलिए पहले बात करते हैं क्वांटिटेटिव मेजर्स की। सबसे पहले है बैंक रेट। ये वो रेट होता है जिस रेट पे आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को लोन प्रोवाइड कराता है। तो जब आरबीआई इस बैंक रेट को इंक्रीज करता है तो कमर्शियल बैंक्स आगे अपने अकाउंट होल्डर्स को जो लोन देते हैं उसका रेट भी इंक्रीज हो जाता है, जिससे लोन्स कम लिए जाते हैं। तो कुछ इस तरह से आरबीआई बैंक रेट का यूज करके मनी के फ्लो को कंट्रोल कर सकता है। नेक्स्ट इज रेपो रेट। ये भी वो रेट होता है जिस पर आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को लोन प्रोवाइड कराता है, बट ये रेपो रेट शॉर्ट टर्म के लिए यूज होती है और बैंक रेट लॉन्ग टर्म में यूज होता है। नेक्स्ट है रेशोज, जो कि लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए यूज होते हैं। फर्स्ट रेशो है CRR यानी कैश रिजर्व रेशो। CRR डिपॉजिट का वो फिक्स परसेंटेज होती है जो कमर्शियल बैंक्स को आरबीआई के पास एज रिजर्व रखनी होती है। इंडिया में ये रेशो 3 से 15% के बीच में चेंज होता रहता है। अगला है SLR यानी स्टैच्यूरी लिक्विडिटी रेशो। SLR डिपॉजिट की वो मिनिमम परसेंटेज होती है जो एक कमर्शियल बैंक को खुद के पास कैश या गोल्ड की फॉर्म में रखना मैंडेटरी होता है। इन रेशोज में चेंज करके आरबीआई मनी के फ्लो को कंट्रोल कर सकता है।
अगर वो इन रेशो को इंक्रीज कर देगा तो बैंक्स को ज्यादा अमाउंट एज रिजर्व रखना पड़ेगा, जिसकी वजह से वो कम लोन दे पाएंगे और इकोनॉमी में कैश का फ्लो कम हो जाएगा। इसी तरह से इन रेशोज को कम करके मनी के फ्लो को इंक्रीज भी किया जा सकता है। नेक्स्ट है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस मॉनेटरी पॉलिसी का एक पॉपुलर टूल है। अगर आरबीआई को मार्केट में मनी के फ्लो को कम करना होता है तो वो मनी को अपने पास अट्रैक्ट कर लेता है। ऐसा करने के लिए आरबीआई गवर्नमेंट बॉन्ड्स इशू करता है, क्योंकि गवर्नमेंट बॉन्ड्स सबसे सेफेस्ट ऑप्शन होते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। इसलिए कमर्शियल बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन बॉन्ड्स को बाय कर लेते हैं, जिससे उनका पैसा आरबीआई के पास आ जाता है। अभी आपने मॉनेटरी पॉलिसी के क्वांटिटेटिव मेजर्स को समझा, चलिए अब बात करते हैं क्वालिटेटिव मेजर्स की। फर्स्ट है रेशनिंग ऑफ क्रेडिट। आरबीआई कमर्शियल बैंक्स के लिए एक मैक्सिमम क्रेडिट अमाउंट फिक्स कर देता है, बैंक्स उस फिक्स्ड अमाउंट से ज्यादा लोन नहीं दे सकते। नेक्स्ट इज चेंज इन मार्जिनल रिक्वायरमेंट। मार्जिन अमाउंट वो होता है जो कि दिया नहीं जाता, एज मार्जिन रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लोन लेना है तो बैंक आपको सारा अमाउंट नहीं दे सकते, उनको कुछ मार्जिन रखना पड़ता है जो आरबीआई सेक्टर वाइज डिसाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आरबीआई चाहता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर को ज्यादा क्रेडिट मिलना चाहिए तो वो एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए मार्जिन रिक्वायरमेंट को कम कर देगा। अगला है मोरल सुएशन। आरबीआई वैसे तो सभी बैंक्स को पॉलिसीज के थ्रू कंट्रोल करता है, बट अगर कोई पर्टिकुलर बैंक उसको ऑब्जेक्ट कर रहा है तो वो उसका लाइसेंस भी कैंसिल कर सकता है। इसीलिए हर बैंक को आरबीआई की गाइडलाइंस को फॉलो करना ही पड़ता है, जिससे आरबीआई के लिए मनी के फ्लो को कंट्रोल करना आसान हो जाता है। तो दोस्तों, बेसिकली ये थे आरबीआई के फंक्शंस। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। आप कमेंट सेक्शन में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये सब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और रीच बढ़ती है वीडियोस की। गाइस थैंक यू सो मच।